Let me start the, yes. Now recording in progress and Karan Dave on his feet. So Karan Dave, aap samjhaiye in sabko. So yes, hello. जैसा सर ने कहा, मेरा नाम करण दवे है। प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करने से पहले एक मिनट, हाँ ये रहा, मैं ये फाइल शेयर करना चाहता था। तो बेसिक आइडिया क्या है प्रोजेक्ट के अंदर, आप मैंने लास्ट टाइम ये करण और सौम्या का प्रोजेक्ट देखा था, जिसमें उन्होंने मोस्ट ऑफ जो था उन्होंने ट्राई किया था कि ऑलमोस्ट कम से कम फाइल के अंदर सारी चीजों को कवर कर लिया था उन्होंने, राइट, कि जिसमें यूजर आईडी पासवर्ड भी एक ही जगह पे डाल रहे हैं, डेटाबेस भी उसी के थ्रू मेंटेन किया जा रहा है। बट यहाँ पे ये लोग थोड़ा अलग अप्रोच यूज करते हैं। व्हाई? तो अब उसके रीजंस हैं, क्योंकि आप कोड करके किसी चीज को रख देते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ओके। बट रियल चैलेंजेस उसके बाद आते हैं, क्योंकि जैसे उसका आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है, सर्विस करनी पड़ती है, मतलब थोड़े टाइम बाद प्रॉब्लम्स आते हैं। कोई कस्टमर कहता है कि मेरा डेटा कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि अलग अलग फाइल्स बनाई है कोड करने के लिए। तो ये फाइल आपको, यू विल बी गेटिंग दिस फाइल, डोंट वरी, मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैम आपको दे देंगे। तो सबसे पहले आपको ये पूरा आपका डेटाबेस करना है क्लियर। तो उसमें अगर आप देखोगे, यू कैन सी हियर दैट देयर इज दिस वेंडर्स टेबल। तो आपको सबसे पहले इसमें जाके एसक्यूएल में, या फिर आप चाहे तो सीएसवी फाइल भी बना सकते हैं। एसक्यूएल में यहाँ पे दिखा रखा है कि आपको कौन कौन से टेबल्स बनाने। यू कैन सी हियर वेंडर का एक टेबल है। वेंडर के टेबल में क्या होगा, जो भी आपके वेंडर्स हैं उनकी आईडी, उनका ईमेल एड्रेस और उनका नेम, ये सारी चीजें, और उनका पासवर्ड क्या है, यानी कि एक वेंडर का डेटाबेस हो गया, उसके अंदर क्या है कैसे है। फिर उसके बाद ये कस्टमर टेबल अभी स्किप कर देना, क्योंकि वो लेटर ऑन स्टेज में आप उसका एक वेरिएशन करके देख पाओगे कि अभी इनिशियल लेवल पे खाली वेंडर्स को मेंटेन कर रहे हैं। फिर अगर उसका और वेरिएंट हमें करना हो तो फिर कस्टमर का भी हो सकता है कि कौन सा कस्टमर कौन से वेंडर के पास से ले रहा है, सो यू कैन स्किप दैट पार्ट। फिर उसके बाद ये ऑर्डर्स टेबल है, हाँ, तो वो भी एक एडवांस वेरिएशन हो सकता है, बट अभी हम लोग फोकस करते हैं वेंडर्स टेबल पे और आइटम टेबल पे, यानी कौन से वेंडर के पास कौन सा आइटम अवेलेबल है, क्या प्राइस पे है, और उनके, डोंट वरी प्रांशु, यू विल बी गेटिंग दिस फाइल, सो नो डोंट रश हियर, ओके, समझ लो अच्छे से। और उसके रिलेटेड टेबल क्या है, प्राइमरी की क्या होगी, फॉरेन की क्या होगी, उसका ये एक पूरा सा चार्ट दे रखा है। बट आई थिंक फॉर यू ये जो वेंडर्स टेबल है और आइटम्स टेबल है, ए एंड डी, वो यूजफुल होगा फॉर नाउ, ओके। और उसके अंदर प्राइमरी की क्या होगी, कौन सी की किससे कनेक्ट कर रही है, वो अभी के लिए है, तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम है यहाँ पे, okay. और अच्छा, आपने डेटाबेस बना लिया, यानी आपका पहला काम खत्म। फिर नेक्स्ट अब पाइथन कोडिंग पे आते हैं, दैट इज दिस डेटाबेस डॉट पी वाई। अच्छा, ये क्या करेगा, इट विल बी गिविंग यू एक्सेस, ये आपको एक्सेस देगा कि एसक्यूएल को आप मैन्युपुलेट कर सको, ऑटोमेट कर सको कोडिंग के थ्रू, कि पूरा डेटा अवेलेबल है, जब भी कोई मतलब जो वेंडर का डेटा है अगर डाले जा रहा है वो वेंडर की, हाँ मेरा ये नया प्रोडक्ट है, तो वो इसके थ्रू वो वहां पे कनेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये एसक्यूएल को मैनिपुलेट करेगा। फाइल होस्ट द डेटाबेस क्लास विच प्रोवाइड्स बेस एक्सेस टू माई एसक्यूएल डेटाबेस, इट हैज कनेक्शन इंफॉर्मेशन स्टोर्ड एज स्टेटिक वेरिएबल्स, इट प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी फॉर कनेक्टिंग फेचिंग एंड इंसर्टिंग अ डॉक्यूमेंट। यानी कि जो एसक्यूएल की आपकी जो फाइल है, कोई भी डेटा आपको उसके अंदर डालना है या रिट्रीव करना है, वो इसके थ्रू, इस फाइल के थ्रू आप कर पाओगे, राइट। तो उसके ओरिएंटेड आपका कोडिंग होगा, क्लियर। यानी MySQL का एक डेटाबेस है, उसको कंट्रोल करने वाली, मैनिपुलेट करने वाली ये फाइल होगी, क्लियर। कोई डाउट? नो, ओके, हाँ। और उसके बाद अब पाइथन के पार्ट में आते हैं कि कोडिंग होगा क्या, वेंडर्स को कैसे कंट्रोल करेंगे, उनके प्रोडक्ट्स को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। तो ये इनिशियल में तो सारी चीजें दे रखी है, बट मेन पार्ट ये है एब्स्ट्रैक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। एब्स्ट्रैक्शन क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले एक आपको फाइल क्रिएट करनी होगी प्रोडक्ट्स डॉट पी वाई के नाम से। अब उसमें क्या है, ये उसकी मेथड्स हैं अलग अलग, आप क्लास डिफाइन करके उसके नीचे उसकी मेथड्स डिफाइन करते हो। अब ये आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि नहीं मैं ये फीचर भी दे सकता हूँ या दे सकती हूँ वो फीचर देना, बट मेन उसके अंदर ये
तीन जो है उसके मेथड होने चाहिए, क्या? एड प्रोडक्ट, सर्च प्रोडक्ट एंड ऑल प्रोडक्ट्स, यानी कि किसी भी एक वेंडर है वो उसकी कौन सी प्रोडक्ट्स है, पूरी चीजें उसका लिस्ट आ गया, राइट? तो ये वो काम करेगा। अच्छा, आप कहोगे कि मतलब मैनिपुलेशन कैसे किया जाए, मतलब अल्टीमेटली अगर हमें चाहिए कि इसे कंट्रोल कैसे करना है, इसके अंदर आपका खाली वही होगा कि ये कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाहता है उसका फंक्शन क्या है, तो वो सारी चीजें कोडिंग आप इसमें करो। दूसरी फाइल जो कि ये vendor.py है, वो खाली इतना एक्सेस देगा कि वो आपका वेंडर है वो लॉग इन एंड लॉग आउट कर सके, यानी इस वाले में खाली आपका लॉग इन लॉग आउट का ही फीचर होगा, ठीक है, ताकि एक वेंडर का डेटा दूसरे में ना चला जाए और वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या करता है, इसके अंदर आपको जो कोड करना है। हाँ, यस मैम, सॉरी सर, हूँ बच्चे इंटरप्ट करो, जो मने एक डाउट छे, हूँ पूछी शक हुई है। हाँ मैम। ओके बच्चा, आपको भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप सर से पूछ सकते हैं, राइट? अभी vendor.py फाइल आपने बताई तो उसमें लॉग इन लॉग आउट दो फंक्शन बताए, राइट? क्या आप उसको थोड़ा सा एलोबोरेट कर सकते हैं, उसका मतलब क्या? लॉग इन और लॉग आउट अगर आप देखो तो मतलब बेसिकली कोई वेंडर है उसकी इनिशियली वो क्या करेगा कि पहले तो वो अपना अकाउंट बनाएगा कि हाँ ये सॉफ्टवेयर में वो आ रहा है, तो वो अपने क्रेडेंशियल्स डालेगा कि हाँ मैं ये व्यक्ति हूँ, मेरी आईडी ये है, मेरा पासवर्ड ये है, तो वो सारी चीजों को मतलब अगर डालना है तो वो इंटरफेस यहाँ से मिलता है आपका कि मुझे लॉग इन करना है, वो जो डेटा है ये किससे कनेक्ट होगा, फिर अल्टीमेटली आपका जाके यहाँ पे माई एसक्यूएल को जाके मैनिपुलेट करेगा कि वो उस डेटाबेस में जाके वो क्या कहते हैं ये डेटा को डंप कर देगा यहाँ पे डेटा मॉडल में, ठीक है? एक मिनट, मतलब वेंडर लॉग इन के टाइम पे वो सिर्फ ईमेल आईडी एंड पासवर्ड नहीं पूछेंगे, सारी चीजें पूछेंगे? नहीं, लॉग इन के टाइम में खाली आईडी और पासवर्ड, पर वो जो है अल्टीमेटली आपके डेटाबेस में भी अवेलेबल होना चाहिए, हाँ, तो ये कनेक्शन जो है वो आपके डेटाबेस से जाएगा, ठीक है? मतलब और फिर उसमें से डेटा फैच होगा, आईडी पासवर्ड चेक होगा कर रहा है, हाँ, तो ही वो हमें अलाउ करेंगे लॉग इन करने के लिए। हाँ, लॉग इन करने के लिए। हाँ, लॉग आउट है तो बस वो तो डायरेक्ट फीचर वही है कि वहां पे ही उसका जो अकाउंट है अगर वो सर्वर में लॉग इन करके कहीं चला गया है तो फिर वो मतलब लॉग आउट दे सके वहां से कि हाँ नाउ नो लॉन्गर दैट पर्सन इज व्हाट टू से एक्सेसिंग हिज अकाउंट। ओके आई थिंक ये यूजफुल। हाँ सर, लॉग इन और लॉग आउट के अलावा साइन अप का भी ऑप्शन रखना पड़ेगा ना? हाँ, वो कर सकते हो अभी आप इफ यू कैन, बट ये यूजुअली हुआ क्या था कि वो पहले से ही मतलब अलग फाइल्स थी कि इतने वेंडर से इतने कस्टमर से वो डेटाबेस में फीड करके, हाँ वो आप कर सकते हो यहाँ पे इफ यू वांट साइन अप का वो फीचर। ओके सर। ओके, थैंक यू, यस डन, क्लियर। ओके, थैंक यू। करते इसके बाद अब आप कहोगे कि मतलब ये तो जस्ट हमने एक तरीके से बैक एंड पे सारा काम कर लिया कि हाँ ये कस्टमर के प्रोडक्ट्स हैं, वेंडर लॉग इन लॉग आउट कर सकते हैं, बट अब ये सारी चीजें किसी काम की नहीं है जब तक कि आप ये पूरा डेटा रिट्रीव ना कर सको या देख ना सको। एक एक अनदर एंड पे पता तो चलना चाहिए किसी को कि भाई कौन सा वेंडर कौन सा सामान रख रहा है, तो ये जो है इम्प्लीमेंटेशन वाली फाइल, यानी कि जो प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन की फाइल अलग होगी, वेंडर इम्प्लीमेंटेशन की फाइल अलग होगी। ये क्या करेगा, ये जो सारे फाइल्स हमने मीन्स अभी जो बनाई हमने प्रोडक्ट की फाइल बनाई, तो यानी ये क्या करेगा, अब इसका काम ये है, इन दिस फाइल लर्नर्स शुड इम्प्लीमेंट द एक्चुअल फंक्शनैलिटीज, यानी कि अब ये यहाँ पे आपने एड प्रोडक्ट किया, फिर सर्च प्रोडक्ट किया, ये इम्प्लीमेंट करेगा उन सारी चीजों को कि जैसे कि मुझे यहाँ से वो प्रोडक्ट को रिमूव करना है, तो यहाँ पे तो आपने एड प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट को एड किया, सर्च प्रोडक्ट किया, अब ये एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज एड करेगा, जैसे कि मुझे वो निकाल देना है या फिर नया फिर कोई और प्रोडक्ट एड करना है, तो कैसे एड करेगा, तो वो इस फाइल के थ्रू जाना चाहिए। अब आप पूछोगे तो ये तो मतलब काम एक ही फाइल में हो सकता था ना, क्यों हमने ये दूसरी फाइल बनाई इम्प्लीमेंटेशन की, कि जो मतलब जैसे कि इस फाइल में से हमें ये मैनिपुलेट करना है कि एड प्रोडक्ट का फंक्शन निकालो और उसके अंदर फिर प्रोडक्ट डालो, या तो फिर वो चाहता है कि अब ये मैं प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहता या इसके प्राइस बढ़ानी है, तो वो इस वाली फाइल से आपको करवाना है, ठीक है, वो उसी में नहीं होगा। एड प्रोडक्ट क्या करता है, उसके फंक्शंस क्या है, फीचर्स क्या है, कि वो ये डेटाबेस को MySQL में जाके डंप करेगा, बट उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें यहां से कंट्रोल होनी चाहिए। ओके, तो
आप यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन वाली फाइल से करोगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा ये कि एक ही चीज को मैनिपुलेट कहीं और से किया जा रहा है, ठीक है। और वेंडर्स इम्प्लीमेंटेशन भी सेम काम करता है कि जैसे कि कोई नया वेंडर ज्वाइन होना चाह रहा है तो वो कैसे होगा, तो वो वाला पार्ट इसमें आके एक्टिव होगा। इम्प्लीमेंटेशन में आप लिखोगे कि हाँ अगर कोई नया आ रहा है तो आप एक तरीके से देखोगे तो लेयर के अंदर एक दूसरी लेयर बनती जा रही है। सबसे पहले एक मेन डेटाबेस है आपका, फिर उसके बाहर क्या है कि एड प्रोडक्ट और वेंडर की फाइल है कि जो एक्सेस करती है, और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कोई और फाइल है, और उसके बाद फाइनली ये ड्राइवर वाली फाइल। ड्राइवर वाली फाइल का काम क्या है कि यहाँ पे जो आपने इम्प्लीमेंटेशन जो पार्ट किया वो इनको कंट्रोल करेगी। This file imports the implementation package for product, यानी कि एक तरीके से आप इसमें ऐसा कोडिंग करोगे कि ये सारी चीजों को एक पॉइंट पे कंट्रोल कर रहा है, ड्राइवर वाले पॉइंट पे, ठीक है। मतलब ये मेन है जो कि एक तरीके से मीडिएटर बनेगा आपका डेटाबेस जो है और वेंडर्स जो है प्रोडक्ट्स जो है उनके बीच में, ओके। सो दिस फाइल इम्पोर्ट्स द इम्प्लीमेंटेशन पैकेज, यानी कि ये वाले पैकेज को इम्पोर्ट करके सारे जो कमांड्स है वो इसके थ्रू जाएंगे। For product and vendor that has all the methods already implemented, यानी कि इसके अंदर आप just logic input करोगे, जो सारी चीजें class आपने बनाए, कैसे class आपने बनाए, products में बनाए, vendor में बनाए, फिर उन सारी चीजों का काम क्या होगा वो vendors implementation file, product implementation में डाला, और driver क्या करेगा कि vendor implementation file और product implementation file को manipulate करेगा, ठीक है। यानी कि एक के ऊपर एक hierarchy wise सारी चीजें जा रही है, जैसे एक जनरल मैनेजर होता है, उसके नीचे उसके डेप्यूटी मैनेजर होते हैं, एक हायरार्की हमने क्रिएट की, ठीक है। तो मतलब कॉम्प्लेक्सिटीज आपको दिखेगी इसमें कि अरे बाप रे ये कैसे करूं, एक फाइल को दूसरी फाइल से कैसे क्लब करना, कैसे कंट्रोल करना, वो एक चैलेंजिंग बात है। सो टेक अ क्लोज लुक एट द मेथड नेम्स दैट आर बीइंग यूज्ड टू परफॉर्म द फंक्शनैलिटी, ओके। सो मेन तो यही है इसमें बात की आप कैसे कर रहे हो। यू कैन यूज सीएसवी फाइल्स एज वेल आपका डेटाबेस मेंटेन करने में। सो बस यही है। अब इसका एडवांस वर्जन भी हो सकता है, जैसे कि अब आपको ऑलरेडी एक कस्टमर की या वेंडर की फाइल दे दी हो सीएसवी में हो, और अब वो आपको क्या करना है, चेक करवाना है कि हाँ वो इसके साथ क्या रन हो रही है, मैच हो रही है या नहीं हो रही है। तो कॉम्प्लेक्सिटीज कैन बी एडेड टू दिस, बट फॉर नाउ यही है, आपको कोडिंग ऐसे ही करना है। और यस, और आप अपना लॉजिक और इमेजिनेशन कि कैसे करोगे, क्या करोगे, क्लियर। अच्छा, और एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि मतलब ये सारा काम हम एक ही चीज में कर सकते थे ना, हमने इतना सब क्यों अलग किया, राइट। तो अब देखो, इनिशियली मैंने कहा कि आप एक चीज होती है, आपने कोड को कर लिया, ठीक है। तो इनिशियली कोई भी कंपनी होती है वो उसका बेटा वर्जन रिलीज करती है, यानी कि उसमें क्या होता है कि ट्रायल बेसिस पे रिलीज किया जाता है, सब फीडबैक देते हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल पर्सन की, अरे नहीं इसके इंटरफेस में, यूजर इंटरफेस में ये प्रॉब्लम है। कोडर जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं अरे ये ऐसे कोड किया होता तो शायद थोड़ी मेमोरी सर्वर कम चाहिए होते आपको। तो अब होता क्या है कि एक फेज के बाद आप इवेंचुअली कुछ ना कुछ अपडेट तो लाओगे, ऐप में आते हैं अपडेट, हर एक चीज में अपडेट आते हैं। तो अब ये अलग अलग करने से फायदा ये होता है कि जब आप मेंटेनेंस करने जाओगे या सर्विस करने जाओगे तो अब आपको पता होगा कि ये वाली फाइल में करना है, और ऑन दी अदर एंड कि आपकी एरर आ रही है तो कौन से वाले पार्ट में एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, तो एरर डिटेक्शन में ये मदद करता है। और मान लो कि आपका काम कोई और कर रहा है, कोई और कोडर आके कर रहा है, तो उसे भी पता चलेगा कि ये वाली फाइल यानी यही सारी चीजों को डील कर रही है। सो कंपनी में तो ये, हालांकि प्रैक्टिकल रेंज में तो ये इससे काफी बड़े लेवल पे होता है, बट ये थोड़ा हमने छोटे लेवल पे रखा है, एंड इवन आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, ओके। सो दैट इज ऑल मैम, ओवर टू यू। यस, थैंक यू, मस्त करण जी, बहुत ही इजीली आपने ये प्रोजेक्ट हमें समझा दिया, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपसे एक ही बात शेयर करनी थी कि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे लास्ट में जो आपने बोला बॉम्ब फोड़ा रहा लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन पे, राइट। सो इनिशियली एवरीथिंग गो स्मूथली कि आइटम एंड वेंडर दो टेबल एसक्यूएल में बनाने हैं या सीएसवी में या फाइल हैंडलिंग से, उनको जो भी यूज करना है सारी चीजें उनको आती है। अभी पाइथन से इम्प्लीमेंटेशन जब आपने बताया, मतलब कि नाउ What I'll just clear my scenario के driver नाम की एक लाइब्रेरी बनेगी, राइट। उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन
एक कॉल किया जाएगा, यस उसको कॉल किया जाएगा और जब वो इम्प्लीमेंटेशन को कमांड देगा कि ऐसा करना है प्रोडक्ट वाली फाइल में या वेंडर वाली फाइल में. ओके, सो ड्राइवर डॉट पीवाई इज द मेन फाइल, मेन फाइल, यस, और उससे वो पूरा कंट्रोल होगा. ओके, और आपने जो हमें एक बात बताई, आइटम मतलब प्रोडक्ट्स, राइट? ऊपर जो आइटम टेबल है दैट इज द प्रोडक्ट्स. सो अब ये मुझे समझना है कि हमने आइटम टेबल में इंसर्ट, सर्च एंड डिस्प्ले तीन फंक्शन आपने बता दिए थे, राइट? कि ये तीन फंक्शन पे हमें काम करना है. आई थिंक कहीं पे फंक्शन तो था एड, हाँ, अच्छा इसमें होगा ये एब्स्ट्रैक्शन में. हाँ यस, हाँ. सो ये हमारे तीन बेसिक, मतलब कि ये हो गया हमारा बेस क्लास. हाँ, ये मेथड होगी कि जो आपने बस खाली हार्ड कोड रखा है, बट ये कुछ करते नहीं है, ये लॉजिक है. हाँ, और जब हम उसे इनहेरिट करेंगे इम्प्लीमेंटेशन वाले, यस, तब वो परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म किया जाएगा. हाँ राइट, परफेक्ट. इट इज द प्योर कंसेप्ट ऑफ ओओपी. ओके, यस 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 यस, गॉट इट. परफेक्ट परफेक्ट, क्लियर. यस अंश, આપણે પેલું લાઇબ્રેરી મેનેજમેન્ટ કર્યું તેવું જ છે ને, ઇમ્પોર્ટ ફાઇલ ઇમ્પોર્ટ કરીને ફંક્શન કોલ કરતા હતા. मतलब हाँ, एक तरीके से ये अलग फाइल बनेगी और फिर वो फाइल को आप कॉल करके कर रहे हैं, इंपोर्ट दैट फाइल एंड पछि ना फंक्शन ए फाइल डॉट फंक्शन कॉल है. एग्जैक्टली, बट यहाँ पे अंश, हमने इनहेरिटेंस उसमें इंप्लीमेंट नहीं किया था. हाँ, मतलब यहाँ पे इनहेरिटेंस भी कंपलसरी यूज करना पड़े, बिकॉज वी हैव ओनली द सेम आइटम्स, राइट? और जहाँ पे करण भाई ने बोला कि स्पेसिफिकेशन अलग अलग हो सकते हैं, उस कंपनी को अगर वो प्रोडक्ट अचानक से बंद कर देनी है तो वो डेटा इम्प्लीमेंटेशन में चला जाएगा. तो फिर प्राइस बढ़ानी है तो वो डेटा भी उसमें चला जाएगा. आप समझ रहे हैं मेरी बात? सो दिस इज वेयर द बेस क्लास एंड चाइल्ड क्लास कंसेप्ट ऑकर्स, राइट? तो यहाँ पे एक छोटा सा नया कंसेप्ट एड हुआ है, दैट इज वी आर परफेक्टली करेक्ट कि हम मॉड्यूल्स बनाएंगे, उसके छोटे से लाइब्रेरी बना देंगे और उसे ड्राइवर डॉट पीवाई इज अवर मेन फाइल थ्रू. प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली, driver.py is the main file और उसके अंदर से हम सब कुछ import करेंगे, call करवाना होगा आपको. yes, call करेंगे, क्योंकि हम सब कुछ लिखेंगे नहीं. उसके लिए modules पहले से product के, vendor के सारे ready ही होंगे, सिर्फ हम उसे import करके call कर देंगे, right? so perfect perfect perfect. additionally यहाँ पे inheritance का concept भी है, so outstanding. thank you करण भाई, मेरी तरफ से तो पूरा concept अब मुझे clear हो चुका है. बच्चा, अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज करण भाई से पूछ सकते हैं आप, और ये फाइल आपके साथ शेयर हो जाएगी. ये लगी छे के जीव आई छे.